म्यूजिक नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल। अब जो वीडियो देख रहे हैं, इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से वीडियो के स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो के स्क्रिप्ट नहीं करना है, आपको करना क्या है, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा भाई लोग, देख सकते हैं कि कितना आप लोग मतलब 61% आदमी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। आप सिर्फ वीडियो देखते हैं चला जाते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करते हैं तो आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि आप इस तरह के वीडियो हम डालते रहते हैं, आप नोटिफिकेशन मिलते रहे और बेल नोटिफिकेशन ऑल देगा। तो चलिए बिना बकवास करते हुए बिना इंट्रो को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लिक करना, मास्टर को ओपन करना है, ओपन कर देखिए प्लस का आइकन जो दिख रहा है, क्रिएट नाउ बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना, देखिए यहाँ से कोई भी आप रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें जो वीडियो की रेशियो सेलेक्ट करेंगे 60.9 रेशियो को, और यहाँ नेक्स्ट बटन जो देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिए। अगर मेरे वाला कैनमास्टर आपके पास नहीं, तो इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं किस तरह से कैनमास्टर को डाउनलोड किया, स्टेप बाय स्टेप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा किस तरह कैनमास्टर को डाउनलोड किया है, स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड का वो लेटेस्ट वर्जन जो अभी हम यूज कर रहे हैं, वही वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है। उसका देख लीजिए जितना सारा प्रोजेक्ट यूज हुआ, सारा चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया। यहाँ सबसे पहले हम बैकग्राउंड वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बैकग्राउंड वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लिया। देख लीजिए यही बैकग्राउंड वीडियो है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करें, यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। ओके कर दिए, इसको आपको 25 सेकंड तक वीडियो कर लीजिए, बाकी पार्ट को यहाँ से कट कर देना, ठीक है। तो वीडियो क्लिक करिए और यहाँ से देखिए कैंची के आइकन में क्लिक करना, ट्रिम टू राइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक कर दिए, जो कि आपका जो वीडियो होगा ट्रिम टू राइट जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा कट हो जाएगा। तो वीडियो को फर्स्ट में जाइए और आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है। देखिए मेरे पास गर्ल का इमेज है, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए और आप यूज कर सकते हो। वो भी फ्री में आपको डाउनलोड करना, कहीं भी कोई पेमेंट देने कोई जरूरी नहीं है, आपको फ्री में सारा चीज़ जितना चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं सारा चीज़ आपको फ्री में करते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, स्टेप बाय स्टेप आप सारा चीज़ मेरा वीडियो को देखता है कि आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इससे क्या आपको यहाँ से चाबी का आइकन दिख रहा है यहाँ पर की कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको 4 सेकंड तक स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो 4 सेकंड तक इसको स्क्रॉल कर लीजिए, प्लस का आइकन देखिए इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करके वीडियो को फर्स्ट में जाइए और चाबी के आइकन पर क्लिक करने के बाद क्या करना आपको इसको इस तरफ खींच लेना, ठीक है। सब खींच के यहाँ से ओके कर देना, ओके करना, फिर से इमेज पर क्लिक करिए, 3 डॉट पर क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए। और डुप्लीकेट करने क्या आपको फिर से चाबी का आइकन क्लिक करना है, इसको खींच कर हम इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इसको लेफ्ट से इसको राइट में ले जाएंगे और इसको इस तरह से थोड़ा जहाँ बिंदु दिख रहा है बिंदु के सामने आपको ले जाना है, देखिए इस बिंदु आइकन लगाए थे इसके सामने ले जाना है, इसको भी खींच कर हम इस तरफ यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से कर देना है और करने के क्या करना आपको यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। ओके कर दिए, ओके करने के क्या आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ज़्यादा नहीं करना है। उसका यहाँ से लेयर क्लिक करिए, वहाँ से मीडिया ऐप क्लिक करिए, मीडिया ऐप क्लिक करने क्या करना आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको 4 सेकंड पर नहीं करना, आपको सिर्फ 5 सेकंड में चल जाए, ठीक है। 5 सेकंड में चल जाइए और आपको लेयर क्लिक करिए, मीडिया ऐप क्लिक करिए, मीडिया ऐप क्लिक करने क्या करना आपको यहाँ से मीडिया ऐप क्लिक करने क्या करना आपको यहाँ देखिए पिक्सेल जो पीएनजी में जो आपको तो पेरियड वाला इसको यहाँ से ले लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देना, डाउनलोड कर लीजिए। इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, लास्ट तक करने क्या आपको इसको साइज के अपने एडजस्ट करके इसको इस तरह से बैठा देना, ठीक है। बैठा दीजिए, बैठाने क्या करना आपको चाबी का आइकन पर क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके प्लस का आइकन क्लिक कर दीजिए, इसको थोड़ा सा इस तरफ करके साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा करके हम इसको इस तरफ यहाँ पर इस तरह से ले जाएंगे, ठीक है। 3 डॉट पर क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करना तो क्या करना आपको इसको रोटेट कर देना, ठीक है। तो मोबाइल आइकन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके क्या करना आपको फिर से इसी इमेज पर क्लिक करिए, चाबी का अगर हमें क्लिक करना है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ठीक है। स्क्रॉल कर लीजिए, स्क्रॉल करके हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। इस तरफ लगा के इस तरह इस जगह पर बैठा देंगे, आपको भी इस तरह से बैठा देना, बिठाने में क्या करना ओके कर देना, ओके कर थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लीजिए, ऐसा लेयर क्लिक करिए, मीडिया ऐप क्लिक करिए, मीडिया ऐप क्लिक करने के बाद फ्लावर वाला जो पीएनजी में इसको ले लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, डाउनलोड करिए और इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। आपको भी इस जगह पर लगा देना है, इस तरह से इस जगह पर लगा दीजिए साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करके, और इसको मिस जगह पर लगाने के लिए लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है और लास्ट तक करने इन एन एफ जाना है और यहाँ से आपको देखिए स्लाइड ईओप का ऑप्शन इस पर क्लिक करके इसको 1.5 कर देना, ठीक है। 1.5 कर दिए और 5 करने के आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करके इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। आपको भी जगह पर लगा देना है और इसको भी ओके कर देना, ठीक है। यहाँ भी इसका भी काम खत्म हो गया। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। आप क्या करना आपको इसको यहाँ पर चलाना आपको 4 सेकंड पर, ठीक है। 4 सेकंड पर जाइए और इसको 4 सेकंड पाने में क्या करना आप देख लीजिए इस जगह पर चलाइए और आपको यहाँ से लेयर
एप क्लिक करना है, मीडिया ऐप क्लिक करना है। मीडिया ऐप क्लिक करना है, घास वाला जो घास वाला जो वीडियो इसको आपको लेना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डाउनलोड कर लिया। इसको क्या करना है आपको, यहाँ देखिए नीचे क्रोमा की ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करिए, ध्यान से देखिएगा, इसको स्विच ऑन कर देना, ऑन कर देखिए आपको नीचे आइएगा और यहाँ की कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ देखिए की कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आपको ब्लैक कलर को चूज करना है, ठीक है। यहाँ से ब्लैक कलर दिख रहा है, यहाँ से ब्लैक कलर करके यहाँ से ओके कर दिए, ओके कर दिए। ओके करने के बाद आपको थोड़ा सा इस तरह से अप्लाई करना है, इसको देखिए इस तरह से आपको बना देना है, ठीक है। देखिए ऊपर का जो 60% रखना है, नीचे वाला 20% कर देता है, ठीक है। इसको 20% या 25% कर देते हैं, इसको 25% करते हैं, ऊपर वाला को 60% करके ओके कर देना, ठीक है। कर दे उसके बाद इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बड़ा करके इसको नीचे कर लेना है और इसको इस जगह पर लगा देना है, ठीक है। आपको इस तरह से लगा के और ओके कर देखिए कितना बेहतरीन तरीके से बन चुका है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना है, करने के आपको फिर से इसको फर्स्ट में आइए, ठीक है। आपको जैसे 4 सेकंड पर जाइए, इसको 4 सेकंड आइए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया ऐप क्लिक करिए। मीडिया ऐप क्लिक करने क्या आपको जैसे एक कोई भी गर्व वाला जो PNG इमेज ले, ठीक है। गर्व देखिए यहाँ PNG इमेज हम ले लेते हैं, इसका PNG नहीं सभी JPG इमेज, इसको सेलेक्ट करिए और से क्रॉपिंग आकर देखिए, इस पर क्लिक करना है, स्विच ऑन करना है, ऑन करने के नीचे शिप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है गोल वाला, इसको सेलेक्ट करके और इसको शिप पर क्लिक करिए फिर से, और यहाँ से आपको बैक आ जाना है और नीचे फिल्टर का अप्लाई दिख रहा है, फिल्टर के साथ साथ इसको अप्लाई कर देना है, 30% तक इसको अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के आपको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है, तो लास्ट तक कर दे, साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए और छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। आपको भी इस जगह पर लगा देना है, इस तरह से लगा दीजिए, इस तरह से लगा देना है, जो करला इमेज उसको आपको लगाना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लगा देते हैं इसके ऊपर और साइज को देख लीजिए, आपको जितना ये एडजस्ट हो हिसाब से आपको साइज को लगाना है, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको इस तरह से इसको हम कर लेते हैं, चलिए अब सही है। इसको क्या एनएनए से जाना है और यहाँ से आपको पॉप का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके 1.5 कर देना, ठीक है। 1.5 कर दीजिए, 1.5 करने में तो क्या करना आपको, फिर से आपको इसी पोजीशन पर आ जाना है, आपको 10 से 11 सेकंड आ जाना है और यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है और यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। लेयर क्लिक करना था आपको, स्टिकर क्लिक करना है, ओवर एनएन से यहाँ अगर पुराना वाला कैमरा यूज करते हैं आपको यहाँ पर ओवर एनएन से ऑप्शन दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्टिव वाइटर का ऑप्शन देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है और इसका देखिए ईच ऑप्शन दिया, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हम यहाँ से क्लिक करते हैं, क्लिक करके ओके कर देना, ओके करके लेयर को पूरा लास्ट कर दीजिए और लास्ट करने के साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा करके इसको इस जगह पर लगाएंगे, ठीक है। आपको इस जगह पर लगा देना है, 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करके यहाँ पर लगा देना है, आपको फिर से डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट करके फिर से इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट करके हम यहाँ पर लगाते हैं। इस तरह से आपको 4-5 डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कर लीजिएगा, जैसे ही हो जाएगा तो क्या करना आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, जैसे हो सके तो क्या करना आपको, फिर से आपको इसी 14 सेकंड पर जाना है और यहाँ से लेयर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्टिकर क्लिक करना है। स्टिकर क्लिक करके आपको देखिए री वाइट का डी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और इस आप कैसे डाउनलोड किया जाए इफेक्ट आपको नहीं पता है, इसके ऊपर हम बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा किस तरह से इस इफेक्ट को डाउनलोड किया जाए, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया हुआ, ठीक है। आप जाकर आपको ढूंढ के इस तरह से आपके जो इफेक्ट आपको डाउनलोड करके, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो हम लंबा कराना चाहते हैं आप लोग के लिए और सिंपल तरीके से आप लोग बताना चाहते थे कि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सर वीडियो अगर मेरा अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखिए वाटर वाला ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन, इस पर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना, ओके करके लेयर को पूरा लास्ट तक कर दिए, इस तरह से कर लेना, ठीक है। करने के फिर से वीडियो को फर्स्ट में आइए, ठीक है। पूरा वीडियो को फर्स्ट में आ जाइए, पूरा वीडियो को फर्स्ट में आने के यहाँ से फिर से आपको लेयर क्लिक करिए, स्टिकर पर क्लिक करिए, स्टिकर पर क्लिक करिए, फिर से आपको वाटर वाला क्लिक करिए और सेकंड वाला आप क्लिक कर देना, इस तरह से क्लिक कर दिए, क्लिक करके ओके कर देना, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको फिर से एडियो इसमें ऐड करना हो, ठीक है। एडियो ऐड करने के यहाँ एडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर, इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने यहाँ से सब जाते हैं एल्बम चल जाते हैं, एल्बम जाने हम डाउनलोडिंग चल जाते हैं और हम यहाँ से एल्बम जो यहाँ पे देखिए यहाँ से म्यूजिक हम डाउनलोड किए हुए हैं, इस म्यूजिक हम यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। इस म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करिए, यहाँ से प्लस सेकंड इस पर क्लिक कर देना, आपका म्यूजिक इस जगह ऐड हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना, आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए ताकि इस तरह के वीडियो हम डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसमें एक इफेक्ट और बच गया, कौन सा इफेक्ट आप बताते हैं, जो वीडियो घास वाला जो वीडियो सेलेक्ट किए थे इस पर हम क्लिक करते हैं, एनिमेशन जानते हैं, जैसे स्लाइड यूएफ का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए, इस तरह से आपको इसमें भी एनिमेशन डाल देना, ठीक है। तब देखिए बेहतर तरीके से देखने में लगेगा, इसमें एनिमेशन हम डाल देते हैं, देखिए इस तरह से डाल देना एनिमेशन, आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देगा, डिस्प्ले पर 2 वीडियो और शो करेगा, किसी वीडियो को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एडिटर के साथ, धन्यवाद।